ऑर्गेनिक गार्डन, मैं आपकी दोस्त अमन देव। आज हम जो दो फ्लावर्स की सीडलिंग करने वाले हैं विंटर फ्लावर्स की, वो है डायंथस और कार्नेशन। ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको उनके सीड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये डायंथस के सीड्स हैं। अभी हम इसकी पहले सॉइल मिक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। इसके लिए हमें सॉइल जो चाहिए वो चाहिए 40% आपकी गार्डन सॉइल, 30% आप गोबर की खाद ले लें अच्छे से जो रॉटन हो, और 30% आप बजरी जो रेत मिक्स होती है वो ले लें। इस मिट्टी से जो ड्रेनेज वाली मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, सिर्फ मिट्टी जो कि है मॉइस्चर है। डायंथस के फ्लावर जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हैं सर्दियों के, और वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और उसको आप जब जहाँ जर्मिनेशन हो जाएगी तो फिर हम उसको रिपॉट कर सकते हैं। ऐसे फ्लैट सिरामा के पॉट हों या गमले मिट्टी के भी हों, उसमें भी आप कर सकते हो, तो बहुत ही प्यारे फ्लावर्स होते हैं और उनकी लाइफ भी काफ़ी देर तक रहती है। वे फ्लावर्स ज़्यादा जल्दी से वो ख़त्म नहीं होते, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो सीडलिंग है कैसे करनी है, बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास डायंथस के बीज है। ये सीड्स हैं फ्रेंड्स डायंथस के, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, ठीक है, ये देखिए। और ये डायंथस को हम ये दोनों है तो हमको मिक्सअप ना हो कि कौन सा वाला, क्योंकि सिमिलर ही प्लांट है। प्लांट का थोड़ा सा फ़र्क होता है, जब ये ग्रो हो जाएंगे तो हम उसका आपको डिफरेंस भी बता देंगे। तो ग्रो कैसे करना है, बहुत ही आसान है, आपको ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। फैला दें अपने, हमने ये बाउल लिया है इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का बाउल। इसके नीचे ड्रेनेज होल है, ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे बाउल ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे चला जाए। तो बीज को आप फैला दें सभी, और आराम से, और उसके ऊपर आप सेम जो आपका सॉइल मिक्स है, पतली पतली लेयर आप ऊपर फैला दें कि आपका बीज नज़र ना आए, क्योंकि इसको सूरज की डायरेक्ट रोशनी और हवा जो वो नहीं होनी चाहिए, एयर पॉकेट्स ना रहे कोई भी, तो ये अदरवाइज जो सीड है वो अंदर ही ख़राब हो जाता है अगर उसको हवा लग जाए तो। हम इसकी वाटरिंग बाद में करेंगे, ये हमारा कार्नेशन का है, इसका भी प्रोसेस कर लें। तो ये फ्रेंड कार्नेशन के सीड्स हैं, सिमिलर ही हैं, आप देख सकते हो, इसीलिए मैं एक ही बाउल इस्तेमाल कर रही हूँ इनकी सीडलिंग के लिए, कि हमें बाद में कोई ये कंफ्यूजन ना रहे। तो डिफरेंट डिफरेंट सीड भी हम ग्रो कर सकते हैं एक ही बाउल में, अगर ये थोड़ा सा छोटा है, बड़ा हो तो आप फोर पार्टीशन भी कर सकते हो। तो एक ही सीज़न के जो फ्लावर्स हैं उसको आप सीडलिंग कर सकते हो, और जब वो जर्मिनेट होके थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसको भी हम एवनली स्प्रेड कर देंगे, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए सीड की। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं। तो आप इनको मिक्स करके भी एक कंटेनर में लगा सकते हो। कार्नेशन का जो फ्लावर होता है थोड़ा सा उसकी पेटल्स हैवी होती हैं डायंथस से, तो ये एक फुल ईयर चलने वाला फ्लावर होता है अगर आप इसकी केयर करते हो गर्मी में, अंडर जो शेड में रख देते हो ठंडी, जहाँ इसको थोड़ी रहे, क्योंकि ये ठंड का फ्लावर है तो गर्मी में पूरा साल सर्वाइव करता है अगर आप इसकी केयर करते हो, पेरेनियल बोलते हैं इनको। तो ये पतली पतली लेयर हमने इसमें कर दी, तो देखिए कितना आसान है सर्दियों के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स को उगाने का। आप
नर्सरी में जाते हो, एक एक फ्लावर कितना कॉस्टली लेके आते हो। तो बेटर है आप थोड़ी सी मेहनत करें और आपका गार्डन भी अच्छे से बनता है घर में, और अच्छा लगता है जब फ्लावरिंग आती है तो आप बहुत इंजॉय करते हो। तो अब हम इसको वाटरिंग कर देते हैं, तो आप वाटर शावर से कर दें, बड़े आराम से जेंटली इसको करके हम एक दो दिन के लिए इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ इसको ब्राइट लाइट तो मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं, हवा, तेज हवा से जो बचा के रखें बारिश से। तो हमें एक दो दिन सिर्फ इसको रखना है, पार्शली सनलाइट में रख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये प्लांट हमारा डायंथस और कार्नेशन की जो सीडलिंग प्रोसेस है ये फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने टाइम है, ये विंटर आने वाला है, अक्टूबर का मंथ है, ये अक्टूबर में इसकी सीडलिंग होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये प्रोसेस अच्छा लगे लाइक करिए, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं आप अगली जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है वो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।